दोस्तों, अगर आपने गुड़हल का पौधा लगाया है, उसमें अगर फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आ रहे हैं बहुत कम आ रहे हैं और उसकी कलियां जो हैं पीली होकर गिर रही हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें जितने कलियाँ हैं वो सब फूल बन के खिलेंगी। ये देखिए, मेरे पौधे में देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं और इसमें जो कलियाँ हैं वो भी अच्छी है देखिए, और पौधा की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और इसमें कलियां देखो ढेर सारी बन रही हैं। वो जो फर्टिलाइजर है आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, कई महंगे फर्टिलाइजर भी होते हैं, मैं उनका उपयोग नहीं करता हूँ ज़्यादा। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है जिस चीज़ के प्रयोग से मैंने गुड़हल के पौधे में इतनी अच्छी ग्रोथ पाई है। ये देखिए, इसमें जो पत्तियाँ हैं वो भी कितनी अच्छी हो रही हैं और फूल भी ढेर सारे खिले हुए हैं। तो मैं उस फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा आपको। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप गुड़हल का पौधा लगा रहे हैं गमले में, तो अगर या नर्सरी से लाकर आप गमले में लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो गुड़हल का पौधा होता है उसको पूरे दिन की धूप में रखें, क्योंकि अगर पूरे दिन की धूप में नहीं होगा पौधा तो आप सोचिए कि उसमें फूल नहीं ले सकते आप। पूरे दिन की अगर धूप में नहीं भी रख सकते हैं आप, आपके पास उतनी जगह नहीं है जहाँ पर वो धूप आए, तो आप कम से कम 3 या 4 घंटे की धूप में तो ज़रूर रखें। वैसे तो पौधा अगर पूरे दिन की धूप में हो तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, और अगर आप 3-4 घंटे की धूप भी दिखा देंगे तब भी पौधे में अच्छी ग्रोथ ले लेंगे आप। एक तो आप पूरे दिन की धूप में रखिए, और जब भी इसमें पानी देते हैं आप, जब पौधे की जब गमला होता है उसमें देख लीजिए अगर मॉइस्चर है थोड़ा बहुत, तो उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो कलियां हैं वो पानी ज़्यादा होने की वजह से ही पीली होकर गिर जाती हैं। तो पौधे की जब मिट्टी देखेंगे आप, देखिए जैसे पौधे की मिट्टी गीली है, मैंने इसमें राइस हस्क का यूज भी कर रखा। अगर आप भी राइस हस्क का यूज करेंगे तो आपके पौधे में मॉइस्चर थोड़ा बहुत बना रहेगा। ये देखिए, इसकी मिट्टी थोड़ी गीली है तो मैं इसमें पानी अभी नहीं दूंगा। जब मिट्टी ऊपर से 1-2 इंच सूखी हुई नज़र आती है तभी इसमें पानी दें, और जब भी आप पानी देते हैं थोड़ा सा पौधे को सावर भी कर दीजिए। थोड़ा सावर करने से जो क्या होता है, इसकी पत्तियां में जो धूल बैठी होती है वो धूल सा भर जाती है, जिससे कि आपका पौधा अच्छी ग्रोथ कर लेता है। तो आप सबसे पहले तो इसको जो पानी देते हैं 2-3 दिन में दीजिए पानी, क्योंकि आप जब 1 दिन जैसे पानी दिया आपने, वो सूखने में इसको पौधा जो है कम पानी खींचता है, तो आप इसको 2-3 दिन में पानी दीजिए, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो इसमें मॉइस्चर रहता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा पौधे में, अगर पानी देते रहेंगे तो इसकी जड़ें भी खराब हो सकती हैं। एक तो धूप में रखिए इसको पूरे दिन की, और इसमें पानी की मात्रा कम करिए, और जब भी आप पानी देते हैं तो सावर करिए। और एक मैं फर्टिलाइजर आपको बताता हूँ, जब इसकी मिट्टी आप बनाते हैं तो उसमें आप गोबर की खाद तो देते होंगे, उसके साथ साथ अगर आप एक फर्टिलाइजर जो मैं बता रहा हूँ उसका यूज करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। ये देखिए, मैंने बना कर रख रखा है, यह है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर है। मस्टर्ड केक यानी जो सरसों की खली आती है, ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मार्केट में आप बीज की दुकान से ले सकते हैं। ये पाउडर रूप में भी आता है और थोड़ा सा पाउडर में भी आता है, और थोड़ा गिट्टी जैसे होती है उस टाइप में भी आता है। सरसों जब बीज जो होते हैं, सरसों के बीज को जब हम तेल निकालने के लिए देते हैं मार्केट में, तो उसके बाद जो बचती है खली उसका ही फर्टिलाइजर बनता है। आप सरसों की खली लाइए, कम से कम 100 ग्राम सरसों की खली भिगा के रख दीजिए, भिगा के रखनी है पानी में कम से कम 3-4 दिन। वो पाउडर रूप में होगा तब भी डाल सकते हैं आप, और वैसे भी डाल सकते हैं अगर गिट्टी के रूप में होगा। ये भिगा के रखेंगे तो उसके बाद देखिए, ये भीगने के बाद पूरा घुल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कम से कम थोड़ी सी मात्रा 1 लीटर पानी में लीजिए। 1 लीटर पानी में थोड़ी सी मात्रा मिलाकर आप अपने पौधों में इस तरीके से दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अपने जो गमला है उसकी जड़ में इस तरीके से डाल दीजिए। जब भी आप पानी देते हैं आप इसको दे दीजिए, कम से कम 10-15 दिन में एक बार दीजिए, तो आपके पौधे में देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ होगी।
और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और फूल भी अच्छे आएंगे इसमें। तो ये मस्टर्ड केक के पाउडर को आप ज़रूर पौधों में अप्लाई करें, जिससे कि आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ भी होगी। धन्यवाद।